दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों यार ये वीडियो जो है वो बेस्ड होने वाली है कि यार काफ़ी मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, अभी फ़िलहाल कुछ एक दिन से ज़्यादा ही मुझे कमेंट मिल रहे हैं रेडमी नोट 7 प्रो और रेडमी नोट 7 के यहाँ पर जो बैंड टेस्ट है बताई जा रहा है कि ये बहुत ही वीक है या बहुत ही मतलब बेकार या घटिया डिज़ाइन इसका है, मतलब बहुत जल्दी टूट जाएगा ये फ़ोन। तो बहुत मुझे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि यार सर बताइए कि अब ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब रेडमी नोट 7 लें या रेडमी नोट 7 प्रो का वेट करें या ना करें। तो आखिर में काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट में कन्फ्यूज़न है, तो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कुछ बैंड टेस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और बताऊँगा कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यार पर्सनली अपने भाई को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको अच्छा लगे इंस्टाग्राम, मेरी प्रोफाइल अच्छी लगती है या आप चाहते हो पर्सनली अटैचमेंट बढ़ाने के लिए तो फॉलो आप कर सकते हो। दोस्तों आप मैं बता दूं यहां पर कि काफ़ी लोग जैसा कि मैंने बताया कि बहुत कमेंट कर रहे थे कि यार रेडमी नोट 7 ले या रेडमी नोट 7 प्रो का वेट करें या ना करें, क्योंकि अभी यहां पर कुछ बैंड टेस्ट को लेकर अभी कुछ वीडियो सामने आई जिसमें कि बहुत ही मतलब बुरी तरीके से रेडमी नोट 7 टूट गया, मतलब 3 टुकड़ों में ऐसा बताया जा रहा है बट गया और बहुत ही मतलब जल्दी यहाँ पर टूट गया। तो मैं बता दूँ कि बैंड टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर, अगर आप बैंड टेस्ट भी कोई ऐसे बंदा नहीं कर सकता है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी एक स्किल होनी चाहिए, क्योंकि बैंड टेस्ट करना मतलब जैसे कि अब ये फ़ोन रखा हुआ है, अब ये फ़ोन है अगर मैं इसको चाहूँ तो बहुत दम लगाऊंगा तो यार कोई भी फ़ोन होगा टूट जाएगा। अब देखो इसमें कोई लोहा तो लगा नहीं है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी सरिया लगी हूँ कि यार मोटी मोटी सरिया लगी हुई हैं, मैंने इसको तोड़ रहा हूँ एकदम, मतलब लगा दिया है पूरे दिलो जान का, मतलब दम लगा दिया है तो मतलब जब भी नहीं टूट रहा, ऐसा नहीं हो सकता यार, इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको हमें यहाँ पर मतलब आप लोग को दिखाने का कोई भी मकसद नहीं बनता है। तो मैं बता दूँ कि अगर फ़ोन यार कोई भी खरीदोगे तो फ़ोन टूटेगा, चाहे आप 80,000 का फ़ोन ले लो, 3 लाख का ले लो, 10 लाख या 20 लाख का फ़ोन ले लो यार, या आप कोई सभी सस्ते सस्ता फ़ोन ले लो, अगर आपने दिमाग में ये सेट कर लिया कि फ़ोन तोड़ना है तो टूटेगा। अब आपका ये कोई मकसद, देखो यार फ़ोन आदमी लेता है तो आप फ़ोन अगर परचेस करोगे तो बात करने के लिए करोगे, गेम खेलने के लिए करोगे, अपना डेली यूजेस करोगे, उसमें काफ़ी काम अपने निपटाओगे पूरे दिन के, और फ़ोन को क्या आप कवर लगा के यूज़ करोगे, जेब में रखोगे। अब आपको यार से कोई जंग तो लड़ने जाना नहीं है कि मतलब आप बॉर्डर पे हो और आपको फ़ोन फेंक फेंक के लोगों को मारना है, ऐसा कुछ है नहीं यार कि मतलब फ़ोन टूटेगा नहीं, मतलब यार मैं कहने का मकसद यही है यार कि फ़ोन टूट जाएगा यार, अगर कोई भी फ़ोन को तोड़ने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगा, चाहे गोरिल्ला ग्लास 6 हो, 5 हो या फिर आपका 20 गोरिल्ला ग्लास 20 या 10 क्यों ना हो, टूट जाएगा यार टूट जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro एक बहुत ही अच्छे डिवाइस है, बैंड टेस्ट पे बिलीव मत करो, क्योंकि बैंड टेस्ट पे यार मैं खुद पर्सनली बिलीव नहीं करता, क्योंकि बैंड टेस्ट मतलब जानबूझ के कोई चीज़ को तोड़ना होता है। अबे हमें यार पता है कि अगर हम फ़ोन को दबाएंगे तो टूट जाएगा, बैंड टेस्ट का भी मतलब कुछ रूल्स होते हैं, ये नहीं कि बस आपने फ़ोन पकड़ा दम लगा के तोड़ दिया एकदम हाथ मत आपके, मतलब आपने दम कस के दबा के तोड़ दिया, इसका कोई मतलब मकसद नहीं है, कोई मतलब वही नहीं है कि आप ऐसे टेस्ट कर रहे हो और आप दिखाई रहे हो कि फ़ोन बहुत वीक है, तो ऐसा कोई मतलब ये नहीं है। कि अगर आप फ़ोन को बैंड टेस्ट करना भी चाहते हो तो मतलब एक कुछ हद तक प्रेशर लगाया जाता है कि अगर इतना प्रेशर यहाँ पर इसमें पड़ता है फ़ोन पे तो टूटेगा, और इसको भी करने का मतलब अलग अलग रूल होता है यार, पकड़ने का भी इसका रूल होता है, तो मतलब एक जगह अगर आप प्रेशर मतलब डालोगे तो वो टूट ही जाएगा। तो बस यही है मेरा कहने का मकसद कि यार फ़ोन का अगर आपने बैंड टेस्ट देखा और आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है यूट्यूब पे, काफ़ी लोग अपलोड कर रहे हैं बैंड टेस्ट को लेकर, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज करिए और मतलब इसको एकदम भूल जाइए कि ऐसा कोई फोन बैंड टेस्ट है और आप फ़ोन नहीं खरीदोगे बैंड टेस्ट को देखकर, ये सब छोड़ दीजिए, आप परचेस कर लीजिए रेडमी का नोट 7 या रेडमी का नोट 7 जब भी प्रो यहाँ पर इंडिया में लॉन्च होता है तो आप इजीली परचेस कर सकते हो, और मुझे यहाँ पर काफ़ी खुशी होगी क्योंकि ऐसे फ़ोन यार आखिर में लाया रेडमी जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको एक अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को एक अच्छा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर मिलती है, और बाकी बॉडी भी काफ़ी पावरफुल है।
डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और फ़ोन में कोई ऐसी बात नहीं कि अगर आप तोड़ोगे तो टूट टूट जाएगा। तो फ़ोन काफ़ी बेस्ट है, आप परचेज़ कर सकते हो। आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसमें सारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ सकता हूँ। फिलहाल के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।